उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मुंबई दौरे पर बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से मुलाकात की। मुलाकात का मकसद था यूपी में तैयार हो रही फिल्म सिटी पर चर्चा करना। बातचीत के दौरान सुनील शेट्टी ने सीएम योगी से गुहार लगाई कि बॉयकॉट बॉलीवुड का कलंक ठीक नहीं है, इस कलंक को मिटाना जरूरी है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं, सुनील शेट्टी ने सीएम योगी से क्या क्या कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुमकिन हो तो बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात आई कहां से। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जब भी किसी फिल्म पर विवाद होता है, बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड सोशल मीडिया पर शुरू हो जाता है। सबसे ताजा उदाहरण शाहरुख की फिल्म पठान का है। आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं ऐसी फिल्मों की लिस्ट जो हाल के दिनों में विवादों में रही। हम हल्ला बोल में इन सवालों पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई बॉलीवुड खराब है या किसी खास एजेंडे के तहत बॉलीवुड की छवि खराब की जा रही है। योगी आदित्यनाथ मुंबई में बॉलीवुड के फिल्मकारों के साथ यूपी में फिल्म सिटी को लेकर चर्चा करने बैठे। जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में आकर फिल्में बनाने का न्योता दिया तो सामने बैठे बॉलीवुड के नुमाइंदों का दर्द छलका। मनोज मुंतशिर, कैलाश खेर और दूसरी हस्तियों के साथ मौजूद सुनील शेट्टी ने कहा, बॉलीवुड खराब नहीं है, लिहाजा बॉयकॉट बॉलीवुड के कलंक को हटाना जरूरी है। ये हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं। सुनील शेट्टी की बातों का वहां बैठे बॉलीवुड के नुमाइंदों ने ताली बजाकर समर्थन किया। पीछे बैठे जैकी श्रॉफ ने पीठ थपथपाई, फिर सुनील शेट्टी ने अपनी बात आगे बढ़ाई, ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड की खराब हो रही छवि की भी चर्चा की, फिर कहा कि योगी जी कुछ कीजिए और मुमकिन हो तो प्रधानमंत्री जी को भी बताइए। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी कहानी। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहें तो बहुत फर्क पड़ सकता है। कहा कि सिर्फ 1% शायद जो गलत है, बाकी तो एब्सोल्युटली, और वो सच्चाई है, वो सच्चाई है। वो 1% के वजह से हम यू नो वी आर गोइंग थ्रू सो मच, 32 इयर्स इन द इंडस्ट्री एंड सडनली एवरीबॉडी इज लुकिंग एट यू थ्रू द सेम लेंस। फिल्म पठान पर उठे विवाद में सियासत तो है, इसके सबूत कई बार मिल चुके हैं और मिल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के वारिस पठान का सबसे ताजा ट्वीट देखिए। इसमें उन्होंने लिखा, भगवा रंग का क्या है, वो तो बिरयानी में भी डालकर खाया जाता है, रंग में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्या देश अब रंग पर चलेगा। दुनिया में हॉलीवुड के बाद सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है, उसको इस तरीके से नहीं सेटिसफाइड करना चाहिए। मैं तो मुख्यमंत्री से कहूंगा, जो संपूर्ण रामायण बनाई थी बॉलीवुड ने, देख लीजिए, बॉलीवुड की ही तो है गीता जो सागर साहब ने बनाई थी, श्री कृष्ण गाथा, उसको भी देख लीजिए। अच्छी चीजें क्यों आप इधर उधर की पिक्चरें देखते हैं। बॉलीवुड पे कंट्रोल हो, हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि सुनील शेट्टी जी ने हिम्मत करी, यही तो बॉलीवुड की आत्मा है। बॉलीवुड क्या करेगा, फिल्म मेकर क्या करेंगे, फिल्में कैसे बनेंगी, ये तो बॉलीवुड तय करेगा। लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड के खिलाफ जो कैंपेन है, हिट कैंपेन, बायकॉट बॉलीवुड, तो अगर आप बायकॉट बॉलीवुड चला रहे हैं कैंपेन बीजेपी आरएसएस के लोग, फिर आप कहते हैं कि आप आइए उत्तर प्रदेश में, यहाँ फिल्में बनाइए। सीएम योगी के सामने बॉलीवुड का दर्द अपनी जगह है, सुनील शेट्टी की अपील अपनी जगह है, लेकिन बॉलीवुड मानता है कि यूपी के हालात सुधरे हैं, लिहाजा मुंबई के फिल्मकारों को यूपी की फिल्म सिटी पसंद आएगी। मुंबई को कोई कहीं भी क्षति नहीं पहुंच सकती, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को, लेकिन उत्तर प्रदेश में वैसे ही अगर एक फिल्म सिटी खुल जाए तो वैसे ही जैसे हैदराबाद में खुलने से महाराष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, वैसे उत्तर प्रदेश में जो खुलेगी तो भी उससे महाराष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि योगी आदित्यनाथ के सामने बॉलीवुड की अपील का क्या असर होता है, क्या बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड को रोकने के लिए कोई कदम उठाए जाते हैं। पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।